मामला सामने आया। उर्दू शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मामले का खुलासा भी हुआ है। आपको यह भी बता दें कि फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्ति मिलने का आरोप भी है। 2 दर्जन शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेजों का आरोप लगा है। बिना शासनादेश के भी कर डाली 12 नियुक्तियां और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता हुआ। डीएम मानविंद्र सिंह ने समस्त पत्रावली की तलब। ललितपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में 1995 में हुई उर्दू फर्जी घोटाले की परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बैठा दी है और जांच की जा रही है। अभी 24 लोगों के फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। जांच अभी जारी है और अब देखना होगा कि और कितने लोग इसमें फर्जी नियुक्ति में सम्मिलित होते हैं। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव।